फ्रिक्शन के एग्जांपल्स करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज। सपोज आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, बात नहीं करनी, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एक मास एम पड़ा हुआ है और ये नीचे स्लाइड करता हुआ आ रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ जी बाय 4 गिवन है क्वेश्चन में। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन तो फिर काइनेटिक होगी ही। आपको म्यू ऑफ के बताना है। बनाओ फोर्सेस कौन कौन सी बनेंगी इसमें। बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, इसमें देखता हूं ये इसका वेट कितना है mg, और हमने क्या डिस्कस किया था ये 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा mg cos 30। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी mg sin 30, ये रहा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगी, नीचे की ऊपर, ऊपर क्योंकि ब्लॉक कहां आ रहा है नीचे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट ऊपर, तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर, और फ्रिक्शन का नाम कौन सा काइनेटिक्स, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है। कोई डाउट इसमें, याद है क्लियर है। अब क्योंकि ये नीचे आ रही है तो कौन सी फोर्स नीचे लेके आ रही है एम जी साइन 30, और कौन अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी इस तरीके से आर यहां बनेगी। तो नीचे की फोर्स कितनी एम जी साइन 30 माइनस पीछे की फोर्स कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलेरेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और इसमें m इनटू g इनटू sin 30 इज 1/2 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और एक्सेलेरेशन कितनी गिवन है g बाय 4, तो mg इनटू 1/2 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, बोलो नॉर्मल रिएक्शन इसमें किसके इक्वल आएगा mg cos 30, mg cos 30, तो यहां पर m इनटू g इनटू cos ऑफ 30 इज इक्वल टू m इनटू g डिवाइडेड बाय 4, m m m और g g और g भी कैंसल, तो 1/2 माइनस म्यू के cos 30 इज रूट 3/2 इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व कर लो, म्यू के कितना आ रहा है 1/2√3, हाँ यही है 1/2√3, नहीं 2√3 आ रहा होगा, रूट थ्री तो नहीं है, चेक कर लो एक बार प्लीज, ऐसा कुछ आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक, ओके, जिनका हो गया वो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाएं प्लीज। ये आंसर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि सपोज आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इस तरीके से, ये ऐसे, सच दैट दिस इज थीटा,
ये मास स्मॉल एम है, पुली कनेक्टेड है, पुली के साथ एक कैपिटल एम मास कनेक्टेड है, एक मास स्मॉल एम है, एक मास कैपिटल एम है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन यहाँ प्रेजेंट है, कोफिशेंट म्यू है, फ्रिक्शन यहाँ भी प्रेजेंट है, कोफिशेंट म्यू है। आपको ये बताना है कि सिस्टम किस पे है एट रेस्ट, गिवन है। आपको रेशियो बतानी है एम और एम की रेशियो क्या है अगर सिस्टम रेस्ट पे है। वैसे इसका आंसर लिख देता हूं और वेरीफाई करने के लिए क्या आंसर आएगा। इसका आंसर है म्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू इनटू कॉस थीटा, ये आंसर है। फोर्सेस ड्रॉ करते हैं पहले, सबसे पहले फोर्सेस है कैसे। इसमें ये बताओ कि कैपिटल एम का वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे कैपिटल एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसमें आर वन, और ये फोर्स क्या होगी कैपिटल एम जी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या होगा कैपिटल एम जी साइन थीटा। ये क्लियर है यहां तक। इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बोलो, स्मॉल एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या होगा आर वन स्मॉल एम जी। टेंशन इसमें क्या होगी टी एंड टी पेयर में, टी एंड टी पेयर में हमने डिस्कस किया था। और ये बताओ कि ये बॉडी कहाँ स्लिप होने की कोशिश करेगी, ऊपर के नीचे, हाँ नीचे आएगी। तो अगर ये नीचे आने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी ब्लॉक पे, पीछे की तरफ एफ वन। और ये कहाँ आने की कोशिश कर रही है राइट, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी टूवर्ड्स लेफ्ट। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, फोर्सेस क्लियर है, और तो कोई फोर्स नहीं बची मुझे लगता है, हो गई कंप्लीट इसमें। और इसके अंदर F2 की वैल्यू होगी क्या बताओ, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इसमें F1 क्या होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक, आगे। अब क्योंकि कैपिटल एम किस पे है एट रेस्ट, तो इसका मतलब नीचे की फोर्स इज इक्वल टू ऑपोजिट फोर्सेस। तो नीचे लाने की फोर्स कितनी है एम जी साइन थीटा, और ऑपोजिट कौन कौन सी दो फोर्सेस है, एक टी है और एक एफ वन है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं नीचे की फोर्स कैपिटल एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू टी प्लस कितना एफ वन। ठीक, और उसी तरीके से इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक के आगे की तरफ फोर्स कितनी है टी और पीछे की तरफ कितनी है एफ टू, और ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है तो आगे की फोर्स इज इक्वल टू पीछे की फोर्स, यानी कि टी विल बी इक्वल टू कितना
एफ टू। दोनों क्वेश्चंस क्लियर है दोनों ब्लॉक्स की, ठीक है। यहां तक वैल्यूज पुट करते हैं, कैपिटल एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू टी प्लस एफ वन की जगह म्यू टाइम्स आर वन, और ऐसे यहां पर म्यू टाइम्स आर टू। तो कैपिटल एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू टी प्लस म्यू टाइम्स आर वन, आर वन किसके इक्वल है, स्मॉल एम जी, और ऐसी कैपिटल टी इज म्यू टाइम्स आर टू किसके इक्वल है, ये अच्छा मैंने ये आर टू है, सॉरी आई एम सॉरी, ये आर टू है और ये आर वन है। तो एफ वन मैं यहां से आर वन की वैल्यू पुट करता हूं, आर वन की जगह मुझे क्या पुट करना है, कैपिटल एम जी कॉस थीटा। ये स्टेप समझ में आ रहा है, क्योंकि इक्वेशन आर वन के लिए लग रही है और आर वन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा, क्लियर। और यहां पर आर टू की जगह क्या पुट करेंगे, यहां पर स्मॉल एम जी, ठीक। इस कैपिटल टी की वैल्यू को यहां से रिप्लेस करो, एम जी साइन थीटा कैपिटल टी की जगह म्यू टाइम्स एम जी प्लस म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा, ठीक। और हमने क्या निकालना है इसमें, कैपिटल एम और स्मॉल एम की रेशियो। एक काम करते हैं, दोनों साइड्स को स्मॉल एम से डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल एम से। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इंटू जी, रादर जी जी और जी तो कैंसिल ही हो गया, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, एम से एम भी कैंसिल हो गया तो म्यू अकेला बच गया, और यहां पर म्यू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इंटू कॉस थीटा। तो हमें ये निकालना है, एक काम करते हैं, कैपिटल एम बाय एम कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या आएगा साइन थीटा, और इधर से ये टर्म क्या आएगी म्यू टाइम्स कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट म्यू, तो इसलिए कैपिटल एम बाय स्मॉल एम की वैल्यू आ जाएगी म्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक तो सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एम इज टू स्मॉल एम की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली कंपटीशन में आया है, अगर आप उसका आंसर दे दें तो मुझे ऐसा लगेगा कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का डिफरेंस तो आपको कम से कम समझ में आता है। देखते हैं कितना कितने लोगों का आंसर सही आ जाता है। सपोज आपके पास एक वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक। इस वॉल के साथ एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ 5 न्यूटन गिवन है, 5 न्यूटन गिवन है। इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसको प्रेस कर रहा हूं 12 न्यूटन फोर्स के साथ, 12 न्यूटन की फोर्स से मैं दबा रहा हूं, और ये ब्लॉक गिवन है किस पे है, एट रेस्ट है, क्योंकि यहां फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ना होती तो स्लिप हो जाता, फ्रिक्शन है तो बचा रहेगा। यहां भी यहां तक क्लियर है। आपको बताना है कि ये वॉल और म्यू की वैल्यू भी गिवन है 0.6, म्यू गिवन है इसमें 0.6। आपको ये बताना है, और ये म्यू स्टैटिक ही हो सकता है क्योंकि काइनेटिक तो इसमें यूज ही नहीं होना, स्टैटिक ही होना है, तो वो मेंशन नहीं करता, लेकिन अंडरस्टूड है कि स्टैटिक के ऊपर है। आपको इसमें यह बताना है कि इस ब्लॉक पे नेट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लगेगी, ये क्वेश्चन है। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लगेगी, जितनी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई वो सारा का सारा उसने यूज करवा दिया इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो ढूंढो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो दीवार फोर्स लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर फ्रिक्शन भी ढूंढनी पड़ेगी, कि फ्रिक्शन भी तो कॉन्टैक्ट फोर्स मानी जाती है, हमने क्लास में किया था, फ्रिक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ
कॉन्टैक्ट फोर्स, तो फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो सोचो इसका आंसर क्या होगा, और मुझे फाइनल आंसर कोई बता सकते हैं अगर तो 2 मिनट लो और फाइनल आंसर बताओ क्या होगा। दबा दिया ना तो कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो नहीं हो सकती, यार कॉन्टैक्ट में तो है, अगर ये चिपके ना और फोर्स ना लगे फिर कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो है, कुछ तो लगेगा। कम से कम इतना ही बोल दें कि 12 न्यूटन की फोर्स अगर लगा रहे हैं तो रिएक्शन भी तो लगेगा एग्जैक्टली इक्वल टू 12 न्यूटन, रिएक्शन भी तो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, तो 12 से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा यार, 12 तो पक्का ही है, जीरो नहीं है, जीरो दबा जब टच ही नहीं करेगा इसे। ट्वेंटी फाइव एक आंसर आया, 15 एक आंसर आया, 13 एक आंसर आया, 19.2 एक आंसर आया, तो चेक करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले ये बताओ कि कॉन्टैक्ट फोर्स होती क्या है जो दीवार लगाएगी, तो आपने ब्लॉक पे 12 न्यूटन लगाया राइट, या 12 न्यूटन से दीवार को प्रेस किया गया फोर्स इज 12, तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा 12, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन इज 12, कोई डाउट इसमें, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन होती है। दूसरी, क्योंकि ब्लॉक दीवार के साथ स्लाइड करती हुई नीचे गिरने की कोशिश कर रही है तो दीवार इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगी ऊपर, और किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, और कौन लगाएगा, वॉल लगाएगा। तो दो कॉन्टैक्ट फोर्स है, आपको याद है लास्ट टाइम भी तो किया था, अगर ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ग्राउंड पे भी तो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें भी ऐसे ही है। तो इसमें ये नॉर्मल रिएक्शन ये एफ, तो नेट जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी वो इन दोनों का वेक्टर सम आएगा, बोलो कितना, एन का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, एन की वैल्यू तो गिवन है 12, अगर मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता लग जाए मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए मुझे क्या गिवन है, म्यू, बोलो म्यू कितना गिवन है, 0.6, तो बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 12, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7.2 न्यूटन, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, 7.2 न्यूटन, नहीं करेंगे, यही तो गेम थी टोटल देखने वाली। देखो प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान से, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट था, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, और जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये हमेशा क्या देती है हमें, मैक्सिमम स्टैटिक, तो ये फॉर्मूला हमें मैक्सिमम स्टैटिक देता है, ये थोड़ा ना कहते हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है,
अब क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 7.2 है, मतलब बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स देनी पड़ेगी, 7.2 न्यूटन, और हम बॉडी पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं ताकि बॉडी नीचे आए, 5 न्यूटन। बॉडी को नीचे कितनी फोर्स मिल रही है गिरने के लिए, 5 न्यूटन, और हिलाने के लिए कम से कम कितनी चाहिए, 7.2 न्यूटन। तो ये तो वही बात हो गई, एक बॉडी को हिलाने के लिए 7.2 न्यूटन फोर्स चाहिए, मैंने लगाई 1 न्यूटन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन, मैंने लगाई 2 न्यूटन तो 2 न्यूटन, मैंने लगाई 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन। तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7.2 नहीं लेना, 5 लेना। तो अगर 5 लेना है तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 13 न्यूटन। बिल्कुल सही था, 13 न्यूटन। ठीक, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो ये जो 7.2 आया ना, प्लीज साइलेंस, 7.2 न्यूटन का मतलब है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 7.2 न्यूटन, पर हम कितनी लगा रहे हैं, 5 न्यूटन। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी हिल तो रही नहीं, तो फोर्स अप्लाइड ही क्या एक्ट करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखाओ कि सपोज आपके पास, आपको गिवन है एक वॉल है, एक दीवार है, और ये वॉल के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है, ये एक ब्लॉक अटैच्ड है, ये वॉल मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए ए एंड फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट है। ब्लॉक का मास गिवन है 2 kg। आपको बताना है कि म्यू की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है कि ये ब्लॉक किस पे रहे एट रेस्ट। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था। देखो दीवार मूव कर रही है, एक्सलरेट कर रही है, तो आपको बताना है कि एक ही फॉर्म में आंसर आएगा, एक ही फॉर्म में निकालो कि म्यू की कम से कम वैल्यू क्या हो, रफनेस क्या हो कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। फोर्सेस बनाओ, ब्लॉक नीचे क्यों गिरेगा, कौन बचाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करो। देखो देखो इसके अंदर लॉजिक क्या लगेगा, पहले ये देखो, इस ब्लॉक को कौन नीचे गिरेगा पहले बताओ, इसका वेट कितना, 2g। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये दीवार कहाँ मूव कर रही है, लेफ्ट, तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स।
फोर्स, मैंने तो फोर्स नहीं लगाई, सूडो फोर्स कितनी लगेगी, टू टाइम्स ए मास इनटू एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स। और क्योंकि ब्लॉक सूडो फोर्स के थ्रू दीवार पे पुश कर रहा है या फोर्स लगा रहा है, तो बदले में क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, टू ए, पुट आउट इसमें। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं ये चाहता हूं ब्लॉक नीचे ना गिरे, तो ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, पुट आउट इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ। और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ ग्रेटर देन इक्वल टू टू जी हो जाए तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, है ना, क्लियर है यहां तक। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और क्योंकि नीचे नहीं गिरेगा तो ये फ्रिक्शन कौन सी है, स्टैटिक। और क्योंकि मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू टाइम एन यूज कर रहा हूं, तो बेसिकली ये कौन सी है, मैक्सिमम स्टैटिक। ये मैक्सिमम स्टैटिक है, तो मैक्सिमम स्टैटिक की वैल्यू जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो जो 2g की जो फोर्स है वो कम से कम उसके इक्वल हो या उससे कम हो। अगर कम भी होगी तो भी ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, उसके इक्वल हो तो भी ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, कोई डाउट इसमें। तो इस केस में म्यू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, टू टाइम्स ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू टाइम्स जी, तो टू से टू कैंसल, तो म्यू ग्रेट क्या निकालना है इसमें, म्यू म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय ए। अब म्यू की वैल्यू या तो इसके इक्वल हो या उससे बड़ी हो, तो कम से कम अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या यूज करेंगे, जी डिवाइडेड बाय ए। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट इज सपोज देयर इज अ वॉल, एक वॉल है और फिर से एक ब्लॉक है। इस बार इस ब्लॉक का वेट W गिवन है, तो वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू W। इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाई F, और ये ब्लॉक और इसके बीच में कोफिशिएंट की वैल्यू है हाफ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज हाफ गिवन है। वैसे म्यू गिवन होता है, अंडरस्टूड होता है कि वो स्टैटिक ही होता है, गिवन है। आपको इसके अंदर ये बताना है कि अगर ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, तो एफ की वैल्यू 2 इंटू टू है, एफ की वैल्यू W बाई टू है, एफ की वैल्यू W है, या एफ की वैल्यू W बाई फोर है। ऑब्जेक्टिव है, एक आंसर करना है। तो देखो इसके अंदर इसका वेट कितना है, W, तो ऐसा नहीं करना W को G से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वेट का मतलब खुद mg होता है। W नीचे गिरने की फोर्स, W कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, एक स्टूडेंट मेरे से दूसरे बैच में पूछ रहा था, बहुत सही क्वेश्चन, वो कह रहे कि W F के इक्वल होना चाहिए, जबकि मैंने ये लिखा सॉल्व करते हुए कि F की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू W। तो उसने पूछा ग्रेटर देन क्यों लिखते हो, इक्वल टू लिखो ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फोर्स अप्लाइड होती है वही तो फ्रिक्शन होती है, तो W इज इक्वल टू F। क्या लॉजिक सही था, उसने कहा W को F के इक्वल लिख दो, ग्रेटर देन मत लिखो। पर मैंने ग्रेटर देन लिखा, तो कोई आंसर देगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, कि ग्रेटर देन क्यों लिखा जाएगा और सिर्फ इक्वल टू क्यों नहीं लिखा जाएगा। लॉजिक तो उसका सही था, वो कह रहा बॉडी नीचे गिर नहीं रही तो नीचे की फोर्स इक्वल टू ऊपर की फोर्स, बात खत्म। तो आप ग्रेटर देन क्यों लगाते हो, इक्वल टू में
एक आंसर वगैरह इक्वल टू लगाने से वो स्टार्ट हो सकता है नीचे गिरना. ओके और कोई सही बोल रहा है. वो ये कहना चाहता है कि जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना म्यू टाइम्स एन, तो एक्चुअल में ये क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मुझे क्या पता कितनी है, वो तो निकालनी पड़ेगी म्यू टाइम्स एन. पर मुझे ये थोड़ा पता है कि डब्ल्यू की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक के इक्वली होगी, क्या पता कम हो. अगर कम होगी तो भी ब्लॉक नहीं गिरेगा, और अगर इक्वल टू होगी तो भी ब्लॉक नहीं गिरेगा. तो यानी कि इस बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, एफ मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर मेरी अप्लाइड फोर्स इससे कम हुई तो भी बॉडी नीचे नहीं गिरेगी, इसके इक्वल टू हुई तो भी बॉडी नीचे नहीं गिरेगी. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा वेट इसके इक्वल हो या इससे कम हो तो बॉडी नीचे नहीं गिरेगी. तो इनइक्वालिटी समझ में आ रही है, इक्वल टू में काम क्यों नहीं चल रहा, कोई डाउट इसमें. तो इस केस में ऐसे लिखेंगे, और म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इसमें किसके इक्वल होगा बोलो, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफ. तो म्यू टाइम्स एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, तो हाफ गिवन है आपको ये वैल्यू, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू डब्ल्यू. कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. बनाने वाला यार हमारे जैसा ही बंदा होगा, कोई बनाने वाला सोच के बनाएगा, साइन का चक्कर क्यों डालेगा, डालेगा. तो इसमें एक्चुअल में मैंने, मुझे ये पूछना चाहिए था एफ नहीं, मुझे पूछना चाहिए था व्हाट इज द मिनिमम फोर्स. मुझे ये पूछना चाहिए था क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम फोर्स. अब सही है, क्यों, अब ठीक है, क्यों, क्योंकि एफ की वैल्यू इससे बड़ी और ग्रेटर है, तो एफ की मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल आएगी. हाँ अब सही है, टू डब्ल्यू, ये सही है. ठीक, मैंने खुद नहीं सोचा ऑप्शन बनाते हुए मैं, तो ये सही है एकदम. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक. ठीक, एक क्वेश्चन सॉल्व करो फिर, कि सपोज आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक, सपोज आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, और केस नंबर वन वो कह रहे हैं कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है. केस नंबर वन में देर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है. एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया u इज इक्वल टू जीरो, वो नीचे स्लाइड करता हुआ आया विद अ वेलोसिटी ऑफ v और डिस्टेंस है s. केस नंबर टू में ये गिवन है कि इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन एंड ब्लॉक में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. बॉडी रेस्ट से चलती है और नीचे उतरती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 बाय n टाइम्स जिससे कि वो पहले उतरी थी, पहले v से उतरी, अब v बाय n से नीचे उतरती है. तो आपको इस केस में आपको म्यू की वैल्यू बतानी है, आपको म्यू की वैल्यू बतानी है कितनी है. रादर एक काम करो, इसका जो आंसर है म्यू का, दैट इज टैन थीटा 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ये प्रूव कर दो प्लीज, ये आंसर आएगा, सॉल्व करके ये आंसर आएगा. यही है, अप्लाई करो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as. तो पहले एक्सेलेरेशन निकालो फर्स्ट केस में बिना फ्रिक्शन के, फिर एक्सेलेरेशन निकालो सेकंड केस में विद फ्रिक्शन, और फिर दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आएगा. a निकालना जरूरी है पहले.
मैं कुछ हिंट दे देता हूं, उसके बाद ट्राई कर लेना कि जब तो फ्रिक्शन नहीं ली हमने फर्स्ट केस में, तो बताओ बॉडी को कौन सी फोर्स नीचे लेके आएगी? एमजी, ठीक है। तो मुझे पता है कि फोर्स इज एमजी साइन थीटा जो बॉडी को नीचे लेके आ रही है, तो कितनी एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आएगी? बोलो, एमजी साइन थीटा को किससे डिवाइड करेंगे? एम से। तो क्या आएगा? जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जी साइन थीटा। हमने पहले भी एक बार इंक्लाइन प्लेन में डिस्कस किया था, जब इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक करवाया तो मैंने बताया था कि नीचे आने की एक्सेलरेशन क्या होती है बिना फ्रिक्शन के? जी साइन थीटा। याद है? हीट चेक कर लेना, मार्क लिख के भी दिया हुआ है आपको, जी साइन थीटा का शॉर्टकट। अब वो कह रहे हैं कि यहां पर तो फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन के केस में मुझे एक बात बताओ, नीचे की फोर्स क्या होगी? एम जी साइन थीटा। नीचे की फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और बॉडी की क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। तो रूल क्या है? नीचे की फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज एम ए। और हमें यह भी पता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम में ये एम जी हो जाता है, ये थीटा, तो ये क्या हो जाता है? एम जी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाता है? एम नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? जी साइन थीटा माइनस जी इंटू म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा। ये लो, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन इसमें जी साइन थीटा थोड़ी ना होगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स जी कॉस थीटा होगी। कोई डाउट इसमें? ये समझ में आ रहा है क्या करना है? तो जिन इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन होगी तो उसमें नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन को पुट करके पहले ए निकालना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? वो क्लियर है, ठीक। तो अब इस केस में, केस नंबर वन में इक्वेशन बोलो क्या बनेगी? वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू एक्सेलरेशन कितनी थी? जी साइन थीटा इंटू एस। इक्वेशन नंबर वन क्लियर है, ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या थी उसमें? जी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर टू में फाइनल वेलोसिटी क्या थी? वी बाय एन। इनिशियल क्या थी? जीरो। तो फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इज टू इंटू, लेकिन एक्सेलरेशन हमने कितनी निकाली बताओ? एक्सेलरेशन निकाली हमने कितनी? जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू कितना? एस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एक में जी साइन थीटा और एक में जो एक्सेलरेशन निकाली। अब मैंने कहा था आपको हिंट कि आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लें। तो ये इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये कितनी है? वी स्क्वायर। राइट साइड क्या है? टू जी कॉमन निकाल लो, तो साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा इंटू एस, और ऐसे यहां पर ये टर्म क्या है? टू इंटू जी इंटू कितना? साइन थीटा इंटू कितना? एस। एस से एस, जी टू कैंसल, वी स्क्वायर भी कैंसल, तो वन बाय एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना? साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? और फाइनली वन बाय एन का स्क्वायर साइन बाय साइन इज वन, और कॉस बाय साइन को लिख सकते हैं वन बाय टेन थीटा। तो यहां से सॉल्व कर लेना, और आपको म्यू निकालना है, म्यू आपके पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट मिटा दूं इसे। ओके अब ध्यान से इधर, सपोज करो आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, लेट अस सपोज आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन की सरफेस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ऑफ मास m, ठीक। सपोज करो इंक्लाइन प्लेन का एंगल इनिशियली थीटा जीरो है, तो मतलब ये तो प्लेन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ही है, तो ब्लॉक रेस्ट पे है। मैंने क्या किया, मैंने इंक्लाइन प्लेन के एंगल को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ब्लॉक m भी ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, उठता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा या एक ऐसा एंगल आएगा मिनिमम जब ये ब्लॉक अपनी जगह से हल्का सा हिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आएगा, मैंने कहा अपनी जगह से हल्का सा हिल गया, तो हिलने का मतलब है कि जस्ट मूव, बस अपनी जगह से हल्का सा हिला, तो इस केस को हम बोलते हैं दिस इज अ केस ऑफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, हम इसको एक्सेलरेशन नहीं मानते, हम मानते हैं कि हिला तो वेलोसिटी तो होगी फॉर एन इंस्टेंट, तो वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो जैसी एक बॉडी चलती है और हल्की सी हिलती भी है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मानी जाती है, एक्सेलरेशन तो तब होगी जब उसका एंगल थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो फिर वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो हल्का 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 हिल के नीचे आ रहा है, आपने बस मिनिमम एंगल ही रखा है, कोई डाउट इसमें? तो इस मिनिमम एंगल को, इस मिनिमम एंगल अल्फा ले लेते हैं, अल्फा व्हेन ब्लॉक इज जस्ट एबल टू मूव, हल्का सा हिला, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब वो मिनिमम एंगल जो ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और मुझे निकालने की एंगल की वैल्यू निकलती कैसे? सबसे पहले ये बताओ कि इस ब्लॉक को कौन नीचे लेके आएगा, एम जी साइन अल्फा, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा एम जी साइन अल्फा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा आर, और इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगी पीछे, ठीक है यहां तक? अगर मैं ये बोलता कि ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ या एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आया, तो अगर तो मैं ये बोलता कि एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आया तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन अल्फा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही इक्वेशन बनेगी। पर क्योंकि मैंने क्या कहा जस्ट एबल टू मूव, जस्ट एबल टू मूव में एक्सेलरेशन क्या ली जाएगी जीरो, तो आगे की फोर्स इक्वल टू पीछे की फोर्स, तो इसमें एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, कोई डाउट इसमें? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल एम जी कॉस अल्फा, एम जी कैंसल, टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू, इट मींस अगर इंक्लाइन प्लेन की म्यू की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं मान लो रूट थ्री, और आपसे ये पूछता हूं कि बताओ एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा कि ये ब्लॉक अपनी जगह से हल्की सी हिले, तो आप क्या पुट करोगे, टेन अल्फा इज रूट थ्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रिलेशन कैसे आता है टेन अल्फा इज म्यू, कोई डाउट इसमें? और उसी तरीके से एक और टर्म इसमें यूज करेंगे कि जैसे ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक, ये खत्म हो गया केस, अब नया केस है, ये मैंने टॉपिक क्या बताया इसमें, ये टॉपिक था एंगल ऑफ रिपोज का टॉपिक था, एंगल ऑफ रिपोज, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर मान लो ये ग्राउंड है, ये बॉडी इधर मूव करने की कोशिश करती है, इसका वेट कितना है mg, तो बदले में क्या मिलेगा इसे नॉर्मल रिएक्शन r, ये ग्राउंड पे है, ये इंक्लाइन प्लेन भी नहीं है, ग्राउंड पे है,
तो क्योंकि बॉडी आगे मूव करने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन कहां मिलेगी, इधर। तो इस पे दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक आर और एक एफ, दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है इन दोनों का वेक्टर सम, ये रहा, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा। थीटा, तो ये थीटा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच में एंगल है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्योंकि ये वेक्टर एफ है तो ये वेक्टर भी क्या है, एफ है, तो इसमें टैन थीटा की वैल्यू बोलो क्या होगी, एफ डिवाइडेड बाय आर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन थीटा इज एफ बाय दिस साइड इज आर, तो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या आ गया, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, उससे लेना देना नहीं है इसका कोई। तो अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल है और अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में म्यू नहीं देता, आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा देता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 60 डिग्री, तो आप टैन 60 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना, रूट थ्री। तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें, ये दो टॉपिक्स क्लियर है यहां तक? मिल गई शीट आज वाली, कहाँ पे है वो बंडल, कहाँ पे है वो, खत्म हो गया। अच्छा,
ये लो पीछे दो। ओके नहीं मिली, एक शीट पीछे पास करना, पीछे पास कर दो पीछे। ओके जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 44 का प्रिंट आउट लें, 44 शीट के अंदर देखो हमने क्या इसमें किया। फिक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो पहली प्रॉब्लम है वो आज हमने डिस्कस कर ली, तो आज यही प्रॉब्लम डिस्कस हुई थी आते ही जो आपने सॉल्व की खुद। फिर हमने सेकेंड क्वेश्चन भी किया, आज आपने ट्राई किया। इसको रिकॉर्ड में रखने के लिए शीट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस अब कर चुके हो लेकिन होगा क्या, एक साल के बाद या बहुत महीनों के बाद आप भूल जाओगे रफ कॉपी में कहाँ किया, तो इसलिए ज़रूरी है फॉर्मेट होना ताकि रिविजन के टाइम पर याद हो हमने क्या किया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एक बार किया भी हुआ है वैसे, और इसका फ्रिक्शन से शायद लेना देना है भी नहीं, जस्ट बेसिक क्वेश्चन है एक पुली का। एक पुली के साथ दो मासेज हैं 60 kg और 70 kg। बेसिकली तो ये 60 kg का मैन है, मैंने ब्लॉक की तरह बना दिया, और इस 60 kg को ऊपर क्लाइंब करना है, खींचना है रस्सी को, ताकि 70 kg का ब्लॉक जमीन से अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दे। आपको याद होगा ऐसी प्रॉब्लम की थी कि 60 kg का मैन 70 kg के मैन को कैसे उठा सकता है, याद है हुआ था। तो मैंने कहा था कि वो एक्सलरेट करेगा तो टेंशन बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ेगी तो वो 70 kg को भी उठा देगा, और मैंने आपको उसका ट्रिक ये बताया था कि टेंशन इसमें कम से कम क्या होनी चाहिए, 70 N, 70 × 10 70 g, उसे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक बड़ा और आसान तरीका है कि जब ये मैन या जो भी ब्लॉक है रेस्ट पे है, देखो इसको तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इसको तो रस्सी खींच के ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा ताकि टेंशन बढ़ जाए, क्योंकि हमने लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस किया था जितनी एक्सेलरेशन से मैन ऊपर चढ़ता जाता है टेंशन बढ़ती जाती है, तो इसको तो एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा। तो रोप में टेंशन आ गई, जब ये रेस्ट पे पड़ा हुआ था तो एक फोर्स कौन सी थी, नॉर्मल रिएक्शन और एक टी, और इसका वेट 70 g। जब ये रेस्ट पे पड़ा हुआ था तो इक्वेशन क्या थी, एन प्लस टी, ऊपर की दो फोर्सेस एन प्लस टी और नीचे की फोर्स कितनी 70 g। अगर आपने कॉन्टैक्ट लूज करना है, इसको हल्का सा उठाना है, चाहे हल्का सा उठ जाए, कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब ग्राउंड से अगर अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देता है तो ग्राउंड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें जमीन से कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है उनमें नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि जब जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में ही नहीं रहोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो कॉन्टैक्ट लूज करने के लिए n इज इक्वल टू जीरो, तो t की वैल्यू स्ट्रेट वे क्या जाती है 70 g। तो अगर डायरेक्टली याद रहता है वो कॉन्सेप्ट फिर तो ठीक है, 70 g नहीं याद रहता तो यहां से भी इट कैन बी प्रूव कि टेंशन इज इक्वल टू 70 g। तो अब ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट करेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस 60 g इज इक्वल टू 60 × a, ये रहा। और t की वैल्यू को 70 g यहां पुट करेंगे और a की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? किया हुआ क्वेश्चन है लेकिन एक किसी और तरीके से किया, नॉर्मल रिएक्शन से बढ़िया तरीका है ये भी, ठीक है यहां तक? अब एक क्वेश्चन है, ये हमने पुश और पुल डिस्कस किया था, पुश और पुल की इजियर टू पुल देन पुश, उसमें क्या लिखना है याद है, कैसे किया था, एक बार पुल करके केस किया था, एक बार पुश करके, और ऐसा ही कुछ डायग्राम बना था उसमें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसा आएगा। देखो न्यूमेरिकल के अंदर वो कह रहा है कि आपको ना, आपको एक ब्लॉक गिवन है, आपने एक ब्लॉक को पुश किया, देखो आप F4 से क्या कर रहे हो, उसे पुश कर रहे हो, पुश और पुल वाला डायग्राम बनेगा इसमें सेम। तो इसमें पुश किया और पुश किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल गिवन है, तो आपको ये बताना है कि मैंने कितनी फोर्स लगाई ताकि ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। और आज ही लेक्चर में क्या किया, बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग का मतलब नो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो
पुश और पुल की प्रॉब्लम में जब फोर्स टेढ़ी लगती है उसमें डायग्राम क्या बनता था, इस फोर्स को नीचे ले जाते थे, अगर ये थीटा तो ये थीटा वर्टिकली ऑपोजिट, और फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते थे एफ कॉस और एफ साइन, ऐसे बनाया था हमने। फर्क ये है कि पुश और पुल में हमने वो डायग्राम सर्कल बनाया था, इसने एक ब्लॉक बना दिया, और कोई फर्क नहीं। क्या लॉजिक क्लियर है यहां तक? इसमें इसका वेट कितना है एमजी, और फोर्स की नॉर्मल रिएक्शन कितना है एन, और क्योंकि बॉडी आगे जाएगी कौन आगे लेके जाएगा बॉडी को, कौन सी फोर्स बोलो एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा फोर्स इज हॉरिजॉन्टल फोर्स जो बॉडी को आगे लेके जाएगी, क्योंकि ये वाली फोर्स तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो एफ साइन थीटा अनबैलेंस्ड फोर्स है जो ब्लॉक को आगे लेके जाएगी अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी पीछे, कोई डाउट इसमें? तो अगर ये एक्सलरेट करता ब्लॉक तो मैं इक्वेशन बनाता एफ साइन थीटा माइनस एफ हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में, आगे की फोर्स कितनी है एफ साइन थीटा और पीछे की फोर्स कितनी है एफ, तो मैं इक्वेशन बनाता एफ साइन थीटा माइनस एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पर क्योंकि जस्ट एबल टू मूव है तो नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज जीरो, इट मींस एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ, तो आगे की फोर्स एफ साइन थीटा किसके इक्वल है पीछे की फोर्स एफ, कोई डाउट इसमें? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं, ये ब्लॉक के ऊपर की कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है एन, और इस ब्लॉक पे नीचे पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक एम जी और एक एफ कॉस थीटा, यानी कि एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, ये चीज क्लियर है एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आना था, इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ये पूरी की पूरी पुट कर ली एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया म्यू एम जी म्यू एफ कॉस थीटा, तो हमें इस क्वेश्चन में एफ निकालना है, तो F वाली टर्म्स को एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये देखो F कॉमन आ गया तो क्या बचा साइन थीटा माइनस F म्यू कॉस थीटा, F कॉमन आ गया, F की वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्लियर है और लॉजिक समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी फोर्सेस किसके इक्वेट करनी है, कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा और कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये पुश और पुल का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, कोई डाउट इसमें? डायग्राम फॉर्मेशन समझ में आ रही है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, घर जाके आपको ये फिर प्रैक्टिस करना बिना देखे कहाँ फोर्स लगती है और कौन सा कंपोनेंट उसे हेल्प करता है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर ये नहीं करोगे फिर कोई फायदा नहीं है, फिर मैथ जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, जब डायग्राम ही गलत बन गया फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें घर जाके आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है यहाँ तक? अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि अगर ये बॉडी स्लाइड करनी स्टार्ट कर दे या ये मूव करती है अपनी जगह से तो टैन थीटा और म्यू का क्या रिलेशन है, ठीक? तो आपने एफ तो निकाल ही लिया, अगर ये बॉडी आगे की तरफ मूव करती है तो एफ पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली कुछ तो फोर्स लगाई आपने, एफ इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस एफ इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ग्रेटर देन जीरो होगा तभी बॉडी आगे मूव करेगी, और एफ ग्रेटर देन जीरो क्योंकि ये तो टर्म पॉजिटिव ही है, तो ये कब जीरो होगा जब डिनोमिनेटर भी जीरो होगा, इनका डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये टर्म इधर जाएगा तो क्या बनेगा म्यू कॉस थीटा, तो साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा में साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टैन, तो आंसर आएगा टैन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऑप्शन कैसे मार्क करना है, एफ तक तो निकालना ही पड़ेगा पर आगे ऑब्जेक्टिव देखते हुए डिनोमिनेटर को भी ग्रेटर देन जीरो करके टैन और म्यू का रिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप क्लियर है नीचे जो किया है, ठीक है यहां तक? डाउट इसमें, ठीक? ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, बहुत सही कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखेंगे एक बार, और इसके अंदर ये क्वेश्चन तो पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा, लंबा क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाली चीज है, तो प्लीज ये मत देखो कि बड़ा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है, बस एक चीज समझाऊंगा जब मैं अलर्ट कहूंगा ना, तो अलर्ट ध्यान से देखना और बस बेसिक चीजों को बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं बताता हूं कैसे, क्वेश्चन सुनो क्या है, क्वेश्चन ये है एक बहुत बड़ा ब्लॉक है ये रहा, इस बहुत बड़े ब्लॉक के ऊपर दो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं एम और एम सेम मास, फ्रिक्शन प्रेजेंट है पुली के साथ कनेक्टेड है, ठीक? क्वेश्चन है मैं इस बड़े ब्लॉक को आगे धक्का मारूंगा एक्सेलरेट करवाऊंगा, ठीक, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा एक्सेलरेट करवाऊंगा सच दैट
ये मासेज नीचे ना गिरे, अदरवाइज अगर मैं नहीं पुश करता तो हो सकता है कि ये मास नीचे गिर जाए और ये अपने वेट से जब नीचे आएगा तो ये राइट की तरफ चला जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो ऑब्वियसली मासेस क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? ऑब्वियसली अगर नहीं हिलाओगे, अब पर हिलाने से भी क्या होता है, धक्का मारने से क्या हो जाएगा, गिरने वाला तो गिर ही जाएगा, नहीं ऐसा लगता है आपको? नहीं फर्क पड़ता है? देखो अब होगा क्या, मैंने ये कहा बड़ा ब्लॉक है और दो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। मैंने ये कहा कि ये जो बड़ा ब्लॉक है इसके ऊपर जो छोटे छोटे दो ब्लॉक्स हैं ये रहे, अगर मैं इसको टच नहीं करता ना तो हो सकता है कि ये नीचे गिर जाए, ये नीचे मूव करे और ये राइट मूव करे। तो मैंने ये पूछा था कि मेरे धक्का मारने से हो क्या जाता है, क्योंकि जब मैं इसको आगे की तरफ फोर्स लगा के पूरे सिस्टम को ए एक्सेलेरेशन देता हूं तो उस केस में इस ब्लॉक पे क्या लगती है? सूडो फोर्स। और इस पे भी क्या लगती है? सूडो फोर्स। ऑब्वियसली मैं जितनी तेज मूव करवाऊंगा, जितना ज्यादा एक्सेलरेट करवाऊंगा स्मॉल एम के ऊपर, दोनों के ऊपर सूडो फोर्सेस कहां लगेंगे? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है। अब हो सकता है कि अगर मैं बहुत ही तेज मूव करवा दूं, एक्सेलरेशन कुछ ज्यादा ही रख दूं, तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी कि एम ए बहुत ज्यादा हो जाएगा और सिस्टम नीचे गिरने की बजाय कहीं ऐसा ना हो ऊपर ही चढ़ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एम ए इतना बड़ा हो गया कि इसने इसको पुल किया और ये ऊपर ही उठ गया। कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं नहीं धक्का मारता तो फिर ये सिस्टम नीचे गिर जाता है। अब मुझे गिरने नहीं देना। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैंने क्वेश्चन ये पूछना है कि मैं मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी दूं। मेरा क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी दूं इसे, ताकि ये सिस्टम रेस्ट पे रहे। तो ये सुनते ही एक स्टूडेंट बोला कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप 10 दो, 100 दो, 200 दो, 2000 दो, इसमें क्या है, जितनी मर्जी दो। कितने लोग एग्री करते हैं कि बात तो सही है, मैक्सिमम लिमिट थोड़ी ना है, कि फर्क पड़ेगा। हाँ दो, जितनी मर्जी दो, 1200 एक्सेलेरेशन दो, 10 मत दो, 9.8 मत दो, वो ठीक कह रहा है, जितनी मर्जी दो, लेकिन फिर आपका ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सेलेरेशन आगे की तरफ होगी सूडो फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर ये बहुत ज्यादा हो गई तो फिर ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये पीछे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यानी कि कुछ ना कुछ अपर वैल्यू तो सेट करनी पड़ेगी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की, कि अगर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आपकी वैल्यू को एक्सीड करती है तो फिर उस केस में ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये सिस्टम पीछे चला जाएगा। तो आपको लास्ट वैल्यू बतानी है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा इस पूरे सिस्टम का, ताकि सिस्टम रेस्ट पे ही रहे, ताकि ऊपर ना चढ़े। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन समझ में आया क्या निकाल रहे हैं? और वो वर्ड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर अगर एक्सेलेरेशन कर दी तो ब्लॉक फिर ये ऊपर चढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अगले पार्ट में वो ये पूछता है फाइंड मिनिमम एक्सेलेरेशन। सेम क्वेश्चन है, अब आप इसको एक्सेलरेट करवाओ लेकिन इतनी ज्यादा तेज मत करवाना, कम से कम कितनी एक्सेलेरेशन दूं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कितनी एक्सेलेरेशन दूं कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहे। क्वेश्चन सेम है, रेस्ट पे रहे, फाइंड मिनिमम एक्सेलेरेशन। आपको कि वो क्या है, वो तो एक ही बात है, एक बात नहीं है, क्योंकि मिनिमम एक्सेलेरेशन में अगर आपने उस मिनिमम एक्सेलेरेशन से कम एक्सेलेरेशन दे दी तो अब आपको डर ये नहीं है कि ब्लॉक्स ऊपर चढ़ जाएंगे, आपको डर है कि कहीं ब्लॉक्स नीचे ना गिर जाएं। तो अगर धीरे चलाओगे तो ब्लॉक्स नीचे गिरने का डर है, तेज चलाओगे तो ब्लॉक्स ऊपर चढ़ने का डर है। अब आप चाहते हो ना तो वो ऊपर चढ़े, आप चाहते हो ना वो नीचे आए। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये ब्लॉक्स अगर बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगा सिस्टम तो ब्लॉक्स ऊपर चढ़ सकते हैं, आपको नहीं चढ़ाना, और अगर आप बहुत कम एक्सेलेरेशन रखते हो तो ये नीचे गिर सकते हैं, आपको नीचे भी नहीं लेके आना। लॉजिक क्लियर है? तो जब मैं ए मैक्स की बात करूंगा, बहुत तेज एक्सेलेरेशन की बात करूंगा,
तो उस केस में बहुत तेज एक्सेलरेशन के केस में मुझे ये डर है कि ब्लॉक्स ऊपर ना चढ़ जाए, नीचे गिरने का डर नहीं, मुझे ऊपर चढ़ने का डर है। तो जब मैं केस मैक्सिमम एक्सेलरेशन का कर रहा हूंगा ना, मैक्सिमम का, तो उस केस में इन ब्लॉक्स का क्या डर है, मुझे कहीं ऊपर ना चढ़ जाए, इतनी तेज एक्सेलरेशन ना हो जाए कि ब्लॉक्स ऊपर ना चढ़ जाए, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक्स की टेंडेंसी कहां जाने की है, ऊपर। तो अगर ये ऊपर ना चढ़ जाए का डर है, चढ़ नहीं रहा लेकिन कोशिश कर रहा है कि ये पीछे ही चला जाए, तो मुझे ये डर है कि कहीं ये इधर ना आ जाए, जब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, बहुत तेज एक्सेलरेशन है, तो उस केस में इसकी ब्लॉक की टेंडेंसी कहां मूव करनी है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड्स राइट। डायरेक्शन देखो फ्रिक्शन की, राइट, क्योंकि आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव करवा रहे हो, तो ब्लॉक अंदर ही अंदर मूव नहीं कर रहा है, तो रेस्ट पे, पर जाने की कहां कोशिश कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन रोक रही है, राइट। और अगर ये लेफ्ट जाने की कोशिश कर रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन नीचे। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ रही है, क्योंकि टेंडेंसी कहां है दोनों ब्लॉक्स की मूव करने की, ऊपर, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट। लेकिन लेकिन जब मैं मिनिमम का केस सॉल्व करूंगा, मिनिमम आराम से मूव करवाऊंगा, तेजी मूव करवाऊंगा, अब मुझे क्या डर है, ब्लॉक्स कहां ना गिर जाए, नीचे। अब मिनिमम के केस में नीचे गिर सकते हैं, ऊपर तो चढ़ने से रहे, तो इसकी ये है, तो रेस्ट पे, पर धीरे चलाने से, धीरे एक्सेलेरेट करने से मुझे डर है कहीं ये नीचे ना चला जाए, तो अंदर ही अंदर ये कहां गिरने की कोशिश कर रहा है, नीचे। तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, ऊपर। और ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है, राइट, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, लेफ्ट। दोनों केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये लॉजिक है असली इस क्वेश्चन का, जो आपको समझना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेते कैसे हैं, तो मैक्सिमम केस में कैसे लेना है और मिनिमम के केस में कैसे लेना है। कोई डाउट इसमें, ठीक समझ में आया यहां तक? इसमें ना एक वेक्टर ड्रॉ कर लेना सेकंड डायग्राम में, एम ए, एम ए, क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो एम ए तो पीछे लगेगा, सूडो फोर्स तो लगेगी, पर इसमें कम लगेगी, ऊपर वाले केस में ज्यादा लगेगी, इसमें कम लगेगी, लगेगी तो सही, एम ए तो लगेगा, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? लो फिर क्वेश्चन में है कुछ नहीं इसके बाद, बस यही था। सबसे पहले काम करते हैं, हम मानते हैं हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन का केस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन क्या होती है, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। टोटल फोर्स अप्लाइड कितनी है, एफ। टोटल मास कितना है, एम प्लस एम प्लस एम। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? टोटल एक्सेलरेशन आ गई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा ये बताओ, इसके अंदर ये ब्लॉक किस पे है, एट रेस्ट। तो रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, और ये ब्लॉक के ऊपर भी सूडो फोर्स इधर लग रही है, तो ये जो वॉल है इसको क्या प्रोवाइड करेगी, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम ए। तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर पा रहा, ठीक है ना, नीचे नहीं गिर रहा, तो नीचे नहीं गिर रहा तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स। ऊपर की फोर्स क्या है, टी। नीचे की दो फोर्सेस कौन सी हैं, एम जी प्लस एफ टू। तो ये स्टेप क्लियर है, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ टू, ठीक। एफ टू की वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एन टू किसके इक्वल है, एम ए। तो एन टू की जगह क्या पुट किया, एम ए, और ए नहीं, ए मैक्स, क्योंकि हमने एक्सेलेरेशन क्या रखी हुई है, ए मैक्स। कोई डाउट इसमें, इक्वेशन नंबर वन क्लियर है? अब इस ब्लॉक की बात करते हैं, ये ब्लॉक राइट और लेफ्ट मूव कर, क्योंकि लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, तो ये मूव नहीं करेगा, तो राइट की फोर्स कितनी है, टी प्लस एफ वन, और लेफ्ट की कितनी है, एम ए मैक्स। ऑब्वियसली ए मैक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का केस है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। और इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ वन क्या होगा, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन आर एन वन। तो इसमें एफ वन की जगह म्यू टाइम एन वन, और एन वन यहां पर क्या होगा, एम जी। नॉर्मल रिएक्शन एन वन किसके इक्वल है, एम जी। तो एन वन की जगह एम जी। तो यहां से सॉल्व करके फिर से एक बार टी की वैल्यू आ गई। तो एक टेंशन हमने ब्लॉक नंबर टू से निकाली और एक ब्लॉक नंबर वन से निकाली, दोनों टेंशन को इक्वेट कर दो। मैंने टी और टी को इक्वेट किया, इक्वेट करके कॉमन निकाल के ए मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड। मैं सॉल्व नहीं किया तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी आंसर। और अगर मैक्सिमम फोर्स निकालनी है तो ये फॉर्मूला हमने लिखा था, तो सॉल्व करके जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उसको यहां पुट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, मैक्सिमम फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो
सॉल्व करने का इश्यू बाद में है, लेकिन ये फ्रिक्शन के डायरेक्शंस क्लियर है, इंपॉर्टेंट है इसमें, कोई डाउट इसमें? सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में फिर वही बात, इसमें एक्सेलरेशन हमने क्या मानी? मिनिमम। तो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगी? टोटल फोर्स बाय टोटल मास, टोटल मास में एम प्लस एम प्लस एम। अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है कौन सा, ये वाला, ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे तो इक्वेशन बोलो क्या होगी, एम जी इज इक्वल टू टी प्लस एफ टू। इक्वेशन क्लियर है? एफ टू क्या है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एन टू, और एन टू किसके इक्वल है? एम ए, एम ए, ए के पैर में मिनिमम, क्योंकि हम मिनिमम का केस सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से सॉल्व करके टी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, टी की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं, आपने एम ए बना लिया पीछे, तो राइट की फोर्स कितनी है टी, लेफ्ट की फोर्स कितनी है एम ए प्लस एफ वन, तो राइट की फोर्स है टी और लेफ्ट की फोर्स है एफ वन प्लस एम ए, तो एफ वन प्लस एम ए ऐसे मान लो, ए के पैर में ए मिनिमम। स्टेप क्लियर है यहां तक? तो यहां से एफ वन की जगह हम देखो, ये रहा टी इज इक्वल टू एम ए प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है न्यू टाइम्स एन वन, एन वन क्या है एम जी, टी आ गया, टी और टी को इक्वेट करके ए मिनिमम आ जाएगा, ए मिनिमम को यहां पुट करके एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको एक लॉजिक और आइडिया समझ में आ रहा है, अदरवाइज इस टाइप की प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे एकदम, और थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कैसे किया, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऊपर वाले ब्लॉक में तो मैंने बोला तो करेक्शन कर लो, एम ए लगा दो, ले तो लिया, ये ले लिया, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बोल, टी इज इक्वल टू एफ वन प्लस एम ए, टी इज एफ वन प्लस एम ए, ले ली, हाँ जी, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था अभी आज, वॉल वाला क्वेश्चन मैंने यहीं से दिया था, ठीक है? ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक मैं चाहता हूं, दो मिनट आप सोचो, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। एक बेल्ट मूव कर रही है दो पुलिस के ऊपर, घूम रही है, रबर की बेल्ट है, ठीक, रबर की बेल्ट है। आपने क्या किया, एक ब्लॉक को उसकी सरफेस पे रख दिया, जैसी ब्लॉक रखा वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था, क्योंकि आपके हाथ में रेस्ट पे था, छोड़ दिया, वो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, तो थोड़ी देर के बाद वो बेल्ट के साथ ही चल पड़ेगा, नो डाउट, पर उसकी सेटलमेंट में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि रखते ही वो थोड़ा हिलेगा और फिर स्मूथ हो जाएगा। हम भी तो ऐसे करते हैं, जब एक एस्केलेटर एलांटे में जाओ, वो एस्केलेटर है, एकदम पैर रखते हो और स्लो रखते हो, फिर तो एकदम ही झटका सा लगता है, तो आप थोड़े एडजस्टमेंट करते हो, फिर आप ठीक हो जाते हो, तो कुछ टाइम लेते हो एडजस्टमेंट करने के लिए। या दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे तो वो एक बेल्ट चल रही होती है जिसपे चलने की जरूरत नहीं है, बस खड़ जाओ जाके, तो वो एक्चुअल में वही ही है, तो आप एकदम पैर रखते हो तो बेल्ट अपने आप चलती रहती है, आपको चलने की जरूरत नहीं, आप सीधा चलते रहते हो, उसके खड़े होके आपको वो कैरी करके लेके जाती है। तो बेसिकली जब आप पैर रखते हो तो फॉर इंस्टेंट आपको थोड़ा टाइम लगता है, पैर पे जोर पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन की एडजस्टमेंट हो रही होती है, फिर एडजस्टमेंट हो जाती है, फिर आप साथ ही चल पड़ते हो, फिर फिसलते नहीं। क्यों नहीं फिसलते? क्योंकि क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन। तो यही केस है ब्लॉक का। तो ब्लॉक को आपने रखा विद यू इज इक्वल टू जीरो, आपको बेल्ट की वेलोसिटी बतानी है कितनी है, और बेल्ट की वेलोसिटी ब्लॉक एक्वायर कर लेगा थोड़ी देर के बाद जब उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, और ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वी जितनी बेल्ट की है, ताकि वो आराम से उसके साथ मूव कर सके, ठीक है यहां तक? तो ब्लॉक को रखा गया यू इज इक्वल टू जीरो, चार सेकेंड के बाद, चार सेकेंड के बाद उसने वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, तो बताओ बेल्ट की वेलोसिटी क्या है, और म्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 0.2। अब सोचो कि वी और यू के बीच में क्या प्रोसेस लगेगा, मैं चाहता हूं आप सोचो, बोलो, फ्रिक्शन लगेगी,
ने सूडो फोर्स क्यों लगेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट है बेल्ट की, इसे सूडो फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रही ना बेल्ट, ए नहीं है तो इसमें वी है और कांस्टेंट वेलोसिटी में ए इज जीरो, तो देयर इज नो सूडो फोर्स, नहीं लगेगी इसमें। करो आप एस्केलेटर के ऊपर बेल्ट के ऊपर चलने जा रहे हो, हम बड़ी चलाकी से करते हैं ना, हम देख लेते हैं बेल्ट की वेलोसिटी वी है तो हम भी फटाफट ऐसे पैर रख देते हैं ताकि कुछ ना हो, तो कुछ नहीं होता क्योंकि जो बेल्ट की वेलोसिटी है वो आपकी वेलोसिटी है तो आपको झटका नहीं लगता। आप छोटे बच्चे को कहो ना तो पैर रखे, छोटा बच्चा क्या करता है डर के मारे पहले, कई लोग करते हैं, बहुत लोग आप देखेंगे जो पहली बार चढ़ते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, वो ना भूल जाते हैं कि रिलेटिव मोशन होता है तो वो ना रुक जाते हैं, रुक के पैर रखते हैं वो तो 100% गिरते हैं क्योंकि रुकोगे वेलोसिटी जीरो करोगे वी होने में टाइम लेगा, जब तक उसकी वेलोसिटी वी नहीं होती तब तक वो इनर्शिया के साथ ही खेलता रहता है कि मैं रेस्ट पे हूँ मोशन में कब आऊँगा, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो चल पड़ता है अपर पार्ट पीछे गिर जाता है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो पहली बार तो सभी के साथ होता है, तो अब सोचो तो होता तो है ऐसा कुछ, तो वी वेलोसिटी एकदम तो नहीं एक्वायर होती। हाँ अगर आप वी से फेंक ही दो उसे वो बात अलग है, वो तो ऐसे रख दोगे तो बात अलग है। देखो इसमें मेन प्रॉब्लम है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, बहुत लोगों से पूछा ब्लॉक कहाँ जा रहा है, बोले राइट, मैंने कहा फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, कहते लेफ्ट, ठीक है। अब फर्स्ट बिगनर्स के लिए तो ठीक है ना, बिगनर के लिए तो वही स्टेप है जो एक बंदा एक्सीलेटर पे चलता है वही हाल है, झटका तो लगेगा ही, तो आपको भी एकदम सोचना पड़ेगा कि आंसर ऐसा नहीं होता कि फ्रिक्शन बस आंख बंद करो इधर जा रहा है ब्लॉक तो इधर राइट, भाई पूछ तो लो ब्लॉक को तेरे को लेके कौन जा रहा है, फ्रिक्शन भाई, फ्रिक्शन की फोर्स कम से कम आगे लगेगी तभी तो ब्लॉक आगे जाएगा, नहीं तो आगे कैसे जाएगा। फिर आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो पीछे लगती थी, आपने सिखाया जब ब्लॉक आगे जा रहा होता है तो फिर फ्रिक्शन पीछे, जब ब्लॉक क्या करेगा स्लाइड, घिसटता हुआ थोड़ी ना जा रहा है कोई ब्लॉक, अगर ये सड़क प्लेन होती और ब्लॉक घिसटता हुआ स्लाइड करता हुआ आगे जा रहा होता फिर फ्रिक्शन क्या लगती, पीछे। ऐसे तो वॉकिंग के अंदर भी फ्रिक्शन कहाँ लगती है, आगे। जब हमें फ्रिक्शन हेल्प करती है मोशन में तो कभी भी अपोज नहीं करती, वो हमारे साथ चलती है। मैं इसको और तरीके से समझाता हूं, देखो डायग्राम से समझाता हूं कि फ्रिक्शन की फोर्सेस कैसे होंगी। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम अपने ग्राउंड को किस पे मानते हैं, एट रेस्ट, है ना, ग्राउंड को रेस्ट मानते हैं और हम इस ब्लॉक को स्लाइड करवाते हैं तो हम बोलते हैं फ्रिक्शन कहां लग रही है, पीछे, सही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी जो बेल्ट है वो या ग्राउंड है, ये ग्राउंड है या बेल्ट है, ये क्या कर रही है मूव, एंड इसके ऊपर जो ब्लॉक है वो किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट इनिशियली। अब देखो आप अपनी जो फ्रिक्शन की डायरेक्शंस है ना वो ब्लॉक से मत पूछो, अब बेल्ट से पूछो, बेल्ट से पूछो तो कहां जा रही है, बेल्ट कहेगी राइट, तो जो तेरी फ्रिक्शन कहां लग रही है, तेरे पे फ्रिक्शन लग रही है क्या, यहां लग रही है, कहां लग रही है, ये ब्लॉक लगा रहा है तो यहां लग रही है, तो कैसे लगेगी, क्योंकि बेल्ट कहां जा रही है राइट,
तो बेल्ट को ब्लॉक अपोज करेगा कि बेल्ट ना जा पाए, बेल्ट ना जा पाए, नहीं करेगा, नहीं समझ आया? नहीं, बेल्ट कहां जा रही है? राइट, वो तो जा ही रही है राइट। और अगर मैं कोई चीज इसके ऊपर पकड़ के रख दूं, जैसे ये ब्रेक के पैड्स हैं या कुछ भी रबर पैड है, इसको रोकेगी नहीं बेल्ट को, ये रोकेगी? चलती हुई चीज को अगर आप कोई चीज दबा दोगे तो रुकेगी ना, फ्रिक्शन घिसटती हुई जा रही है, तो बेल्ट तो कहेगी मेरी स्पीड स्लो हो रही है भाई, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया। तो बेल्ट की फ्रिक्शन कहाँ कर रही है? पीछे, तभी स्पीड स्लो होगी। बाय एक्शन एंड रिएक्शन ब्लॉक की फ्रिक्शन कहाँ होगी? राइट, ऐसे ही होगा। अच्छा, ऐसे इमेजिन करो बेल्ट जा रही है, ठीक, इमेजिन करना है बेल्ट जा रही है, हल्की सी बेल्ट है, रुक भी सकती है ज्यादा फोर्स लगाओगे तो। आपने एक ब्लॉक उसके ऊपर रख दिया, हाथ पे पकड़ा हुआ है, वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ गया, बेल्ट जा रही है, ब्लॉक मान लो वुडन ब्लॉक है, लकड़ का पीस है, रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि लकड़ का पीस आपको फील नहीं हो रहा कि जब उसके साथ स्लाइड कर रहा है तो आपको डर लग रहा है कि लकड़ का पीस कहीं मेरे हाथ से छूट ही ना जाए, क्योंकि हो सकता है वो बेल्ट के साथ ही चला जाएगा। देखो, तो आपने हल्का पकड़ लिया तो बेल्ट के, बेल्ट ले जाएगा उसको साथ, ऐसे होगा। और अगर आपने जोर की पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, तो बेल्ट की स्पीड को आप स्लो कर रहे हो, जोर की पकड़ लिया तो बेल्ट की स्पीड स्लो ही हो जाएगी ना, नीचे से निकलती है बेल्ट स्लो हो जाएगी। इसका मतलब बेल्ट को फ्रिक्शन कहां मिल रही है? उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट, तभी स्लो हुई। और ब्लॉक आपके हाथ से छूट के कहां चला जाता है? आगे। तो फ्रिक्शन यानी कि ब्लॉक को कहां मिल रही है? आगे, तभी उसको हेल्प कर रही है मोशन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक? नहीं, यही तो, यही यही अगर थंब रूल बता दे, अगर इसका थंब रूल होता ना, तो आप ऐसे शक्लें थोड़ा देख रहे होते, फिर आप कहते हैं कि वो रूल लग गया, आंसर आ गया, तो बात खत्म हो गई। यही तो प्रॉब्लम है, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के अंदर जाना है और बस एकांत में सोच रहे हैं घर जाके कि कैसे लगा ये, कैसे लगा, फिर अंदर से दो चार मिनट बाद एक क्लिक आवाज आएगी, आ गया समझ, बस ये ऐसे लगा। और अगर नहीं आवाज आई तो पूरी रात सोते हुए ना वो बैक ऑफ माइंड घूमता रहता है, यार पता नहीं अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा, नींद सी नहीं आ रही है, वो कैसे ब्लॉक, कैसे वो फ्रिक्शन आगे कैसे हो गया था। इन लोगों को थंब रूल सीखना है इसका, कि ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता लगती है आगे या पीछे। अगला लेक्चर इसी के ऊपर डिजाइंड है पूरा, अगला लेक्चर एक घंटा सिर्फ यही डिसाइड करेंगे कि फ्रिक्शन आगे लगती है फ्रिक्शन पीछे लगती है, बस। वो लेक्चर सुनने के बाद आप पूछोगे नहीं फ्रिक्शन कहाँ लगती है, क्योंकि एक घंटा लगेगा ये देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको ना अलग अलग एग्जाम्पल्स दूंगा, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, एक ब्लॉक आगे जा रहा है तो एक पीछे जा रहा है तो एक आगे जा रहा है, तो देखेंगे उनकी मोशन देखते हुए कि फ्रिक्शन आगे लग रही है या पीछे लग रही है। याद रखना, जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती हैं तो फ्रिक्शन एक को तो पक्का रोकती है और दूसरे को हमेशा सपोर्ट करती है। अगर आपको याद हो तो मैंने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक लास्ट टाइम बताया था, एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक है, और मैंने कहा था कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं, यहां पर स्मूथ है या कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि सपोज करो मैं फोर्स इसके ऊपर लगाता हूं ताकि ये हल्का सा इसके ऊपर घिसटता हुआ आ जाए, पर फ्रिक्शन सफिशिएंट थी, फ्रिक्शन सफिशिएंट थी और दोनों ब्लॉक्स ही इकट्ठा मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक, दोनों ब्लॉक्स ही इकट्ठा मूव कर रहे हैं। या हो सकता है कोई कहे कि जो आपने जो फोर्स एफ लगाई कुछ ज्यादा ही तेज लगा दी, इतनी तेज लगा दी कि ऊपर वाला ब्लॉक तेज निकल गया और पीछे वाला थोड़ा पीछे रहे, ये भी तो हो सकता है ना, आपने फटाफट एक लगाया, एक फोर्स लगाई, ये आगे निकल गया और ये कुछ देर के लिए तो पीछे आया लेकिन ये गिर गया, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक का कॉन्टैक्ट लूज कर गया और गिर गया, कुछ भी हो सकता है ऐसा। क्या इमेजिन कर पा रहे हो? ये भी हो सकता है कि आप फोर्स लगाएं और दोनों इकट्ठे मूव करें, और ये भी तो हो सकता है आप फोर्स लगाएं, आपने कुछ ज्यादा ही तेज लगा दी, ये आगे निकलता जा रहा है और ये
और अल्टीमेटली ये ब्लॉक इसके ऊपर से गिर गया। या तो गिरेगा या नहीं गिरेगा, दो ही चीजें हो सकती है ना जी, कोई डाउट इसमें? तो अगला लेक्चर इसके ऊपर है और मैं आपको एक हिंट देता हूं, हो सकता है वो हिंट आपको हेल्प करे। आप फर्स्ट ब्लॉक से पूछो कि उसको फोर्स कहां मिली, टुवर्ड्स राइट। तो फर्स्ट ब्लॉक कहां जाना चाहता है, टुवर्ड्स राइट। अब फर्स्ट ब्लॉक से पूछो क्या तेरे को कोई रुकावट है कि तू राइट जाने में, को तेरे को कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है हां प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसकी? वो कह रहा है नीचे का ब्लॉक ना मेरे बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है और जब मैं चलने की कोशिश करता हूं ना तो नीचे का ब्लॉक मुझे रोकता है बाय अप्लाइंग सम फ्रिक्शन। क्या ये सही है? अब ब्लॉक बन जाओ ना, अब ब्लॉक बन के स्लाइड करने की कोशिश करो। कहां कर पाओगे यार, नीचे का ब्लॉक से घिसटते हुए जाओगे, ऐसे होता है। तो ऑब्वियसली यहां पर फ्रिक्शन नीचे वाला ब्लॉक कहां लगाएगा, पीछे। तो पहले वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन कहां मिलेगी, पीछे। पर फ्रिक्शन की फोर्स तो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो नीचे की ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगी, आगे। तो नीचे वाले ब्लॉक से पूछो, वो कहेगा मेरे को तो फायदा हो गया। मैंने कहा क्या फायदा हो गया? वो देखो मेरे पे किसने फोर्स भी नहीं लगाई और मैं साथ में चल पड़ा। और मैंने पूछा तू कैसे चल पड़ा? उसने कहा क्योंकि मेरे पे फ्रिक्शन, मुझे फ्रिक्शन क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, मुझे फ्रिक्शन से फायदा हो रहा है। अब किसी को नुकसान हो रहा है तो किसी को फायदा हो रहा है। जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती हैं तो एक को तो फ्रिक्शन हेल्प करती है साथ चलाने के लिए और एक को अपोज करती है। और नॉर्मली रूल ये है कि जिसको फोर्स मिली होती है, जिसपे हाँ जिसको हम धक्का मारते हैं उसको तो अपोज करती है और जो नीचे कॉन्टैक्ट है वो साथ साथ में चल पड़ता है, ठीक। अब इमेजिन करते हैं ये बेल्ट है, ये नीचे का ब्लॉक नहीं है, ये नीचे की बेल्ट है राइट। ये बेल्ट है और लेट अस सपोज ये बेल्ट आगे जा रही है। अब देखो बेल्ट आगे जाने का मतलब बेल्ट को फोर्स मिली हुई है किसी मोटर से और वो आगे निकलने की कोशिश कर रही है। तो बेल्ट से पूछो तो सही यार तेरी क्या प्रॉब्लम है? बेल्ट कहती है एक प्रॉब्लम है ना। मैंने कहा क्या? कहता है यार किसी ने ना ऊपर ना ब्लॉक रखा हुआ है जो मुझे मूव करने से रोक रहा है। मेरे को तो फोर्स मिली हुई है इस मोटर से, मैं आगे जाने की कोशिश कर रही हूं लेकिन मुझे ऊपर का ब्लॉक ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो मेरी फ्रिक्शन तो कहां है, पीछे। आप ऊपर के ब्लॉक से पूछो, वो कहता है मेरे को तो फायदा हो गया, मेरे पास तो कोई मोटर भी नहीं, मेरे को तो बस ऊपर छोड़ दो, देखो मैं साथ ही चल पड़ूंगा। मैंने कहा कैसे? क्योंकि मेरे को फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट क्या मिलेगी, आगे। तो ऊपर रखे हुए ब्लॉक को फायदा हो गया, उसको फ्रिक्शन हेल्प कर रही है और नीचे वाले ब्लॉक को अपोज कर रही है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? आइडिया क्लियर है? बस अगला लेक्चर एक घंटा बस यही है, बस कुछ नहीं करना है, एक घंटा अलग अलग ब्लॉक्स पे लगा लगा के बस आपसे यही पूछना है, बस फ्रिक्शन की फोर्स बता दो बस। उसके बाद आप कभी नहीं पूछोगे फ्रिक्शन कहां लगेगी। अगले लेक्चर के बाद आपको सब दिखेगा फ्रिक्शन कहां लगेगी। पर अभी ये छोटे से एग्जांपल का, एग्जांपल को तो क्लोज करें। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस बेल्ट को फ्रिक्शन अपोज कर रही है, रिटार्ड करने की कोशिश करेगी, लेकिन ब्लॉक को एक्सलरेट करने की कोशिश करेगी। ब्लॉक तो बेचारा वैसे यू जीरो लेके आया था, उसके बाद तो कुछ वेलोसिटी थी नहीं, और ब्लॉक को फायदा हो गया और ब्लॉक को फोर्स कहां मिली, आगे। तो ये समझ में आ रहा है, ब्लॉक को फोर्स आगे मिलेगी और ब्लॉक क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा। और एक्सलरेट करेगा तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प इज हेल्पिंग ब्लॉक टू मूव फॉरवर्ड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्सलरेशन। मैंने धक्का नहीं मारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने हेल्प किया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी है 10 न्यूटन 5 न्यूटन जो भी है मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है, न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg, mcm कैंसिल। तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। न्यू पता है, जी पता है, आंसर। तो इन टाइप की प्रॉब्लम में जिनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प करती है इन एक्सेलरेशन, तो उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या पुट करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक और पॉइंट समझाता हूं साथ के साथ, और क्लियर हो जाएगा। कि सपोज करो एक ब्लॉक स्लाइड करता हुआ आगे जा रहा है ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड में फ्रिक्शन है, स्लाइड करने का मतलब क्या प्रोवाइडेड है यहां पर, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन पक्का ऑपोजिट होगी, स्लाइडिंग के केस में तो गारंटेड है उसको ऑपोजिशन नहीं मिलने वाली है, घिसटता हुआ जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगी, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो मान लो ये इधर एक्ट कर रही है
अब ये बताओ कि अगर इसकी स्पीड v है, थोड़ी देर में इसकी स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? हाँ, कम होगी, क्योंकि फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही है, तो क्या प्रोवाइड करेगी? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो क्या मैं ऐसा पुट कर सकता हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या प्रोवाइड किया? रिटार्डेशन। तो साइन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू टाइम्स एम जी इज इक्वल टू एम ए विद नेगेटिव साइन। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या आएगी? ये आ जाएगी। तो जब बॉडी में एक्सेलरेशन होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एम ए इज पॉजिटिव, जब हेल्प करती है उसको चलने के लिए, और जब रिटार्डेशन होती है तो साइन माइनस। तो ये चीजें हम यूज करेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर का काम है, पर अभी के लिए पॉइंट क्लियर है। तो यहां से आपने एक्सेलरेशन निकाल ली, और वी यू प्लस ए टी में वी निकालना है, और ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी बेल्ट के इक्वल हो जाएगी, यू जीरो है और ए आपने निकाल लिया, टाइम 4 सेकंड गिवन है आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक, चेन वाला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिया था, फिर से लिखा गया गलती से मुझसे, सेम है ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चन हमने नेक्स्ट टाइम करने हैं, या आज नहीं करने हमने, यही तो कह रहा हूं, अगला लेक्चर इसी के ऊपर होगा। बड़ा बहुत सही, मतलब जिसको मजा आता है ना फ्रिक्शन में, वो इससे ऊपर मजा नहीं हो सकता, ये तो मतलब सही तरीके, ये ऐसे ही कर रहे हैं ब्लॉक, कहां फ्रिक्शन लगेगी डायरेक्शन में मजा आ जाएगा, मुझे तो आएगा। ठीक, ये नेक्स्ट टाइम का काम है सारा, ये भी नेक्स्ट टाइम का काम है, अगला लेक्चर है बेसिकली हमारा। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये रहा। ठीक, 727 727, ओके कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, अभी टेस्ट है आपका, आप टेस्ट के साथ ही करो।